जहां हस्बी मामूल वादी कश्मीर में सर्दियों में बिजली की आंख मचोली शुरू हो जाती है, वहीं अब आजकल के गुलकार भी सामने आ रहे हैं। नासिर नामी गुलकार जो कि आजकल सोशल मीडिया पे पूरी तरह से छाया हुआ है, नासिर ने बिजली पर एक कवाली गाई है जो कि इंतजामिया के कानों में, शायद इंतजामिया के कानों तक पहुंच जाए। ये पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जुमा दो सुबह नसद्रायो त्रवी विछन विन शाम पत बटवार पावे छसान गाम बिजली वर इमशब तवे चुंद चवान नकवर इमशब मोबाइलस बैटरी चम 5% गुमत सिकरीन चुम हलकर इमशब हाँ मोबाइलस बैटरी चम 5% गुमत सिकरीन चुम हलकर इमशब शे बज पत कुन गई खे पतिये बतिये कर यही लोल मतला शे बज पत कुन गई खे पतिये बतिये कर यही लोल मतला शे बज पत कुन गई खे पतिये बतिये कर यही लोल मतला वंद बहरात च कंद शरबतिये बतिये कर यही लोल मतला अमी कत क्या गई साढ़े सतिये क्रेक गई गामास मच द्रोटास अमी कत क्या गई साढ़े सतिये क्रेक गई गामास मच द्रोटास रेत खंड क्यों नम पत मर मतिये बतिये कर यही लोल मतला गम चम्वाल तेजी ड्रॉप सीनस अंदर मास बेगुल का कुक है युथी वातान बिजली त्रावन कुवक खसा कूटन चिगामत ना कुक है छी प्यारा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर है और मैं बेमिना श्रीनगर से हूँ। बतिये सॉन्ग जो हमने किया है ये एक्चुअली पीर जोर साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे लिरिक्स लिखे हुए हैं। बतिये सॉन्ग जो है ये है एक्चुअली पीर जोर साहब के अल्फाज हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। तो उन्होंने इस बारी हमारा एक्चुअली हमारी अपनी एक चैनल है जिसमें हम एज अ ग्रुप काम करते हैं, जीज़ ओरिजिनल, जिसके हेड पीर जोर साहब हैं, जिसमें काम सिनेमेटोग्राफर अरसलान मंजूर साहब करते हैं और भी बहुत सारे बंदे हैं। एम जे नासिर एज डायरेक्शन काम करते हैं उसमें, मैं एज अ सिंगर कंपोज़र काम करता हूँ। तो हमने बहुत सारे इससे पहले भी प्रोजेक्ट किए हैं, बट इस बारी जो हमने प्रोजेक्ट लिया है बतिये पे, इट मीन्स पावर, हमने ये बेसिकली लोगों के मसाइल को देख के किया है। चूँकि हमें भी बिजली की ज़रूरत है, तो घर पे भी ये मसाइल पेश रहते हैं हमारे साथ। तो लोगों के मसाइल देखते हुए ज़ोर साहब ने बतिये पे, जो विंटर्स में ख़ास तौर पे जो बिजली की कटौती रहती है या प्रॉब्लम्स ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि लोगों के मसाइल जो हैं बिजली को लेके, स्पेशली विंटर्स में, वो हल हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ ज़ोर साहब ने बहुत बखूबी, बहुत खूबसूरती से दोनों ही तरफा का लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट का भी और लोगों का भी। चूँकि हमारी भी कुछ खामियाँ हैं और डिपार्टमेंट की, तो हम भी कोशिश करते हैं। हमने कवाली के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाई है कि हमारी जो गलतियां हैं हम वो पूरी तरीके से
ठीक करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ठीक होगी भी। और ज़ोर साहब और डिपार्टमेंट के लिए भी मैसेज है कि प्लीज़ लोगों की जो मसाइल है वो हल हो जाए। यूथ के लिए मैसेज, पहले तो मैं बता दूँ कश्मीर में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा, बस प्लेटफॉर्म की कमी है। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। तो करना कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ कहीं ना अपना प्लेटफॉर्म खुद के लिए खुद से बनाना है, सोशल मीडिया के थ्रू करना है। जैसे देख लें हमारा ये गाना जो बतिया है, मैंने लोगों के लिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों की मैसेज, मैं खुद, आप मान लीजिए मैं पब्लिक हूं और मैंने खुद को एज अ पब्लिक रिप्रेजेंट किया है डिपार्टमेंट के सामने कि हमारी ये मसाइल हैं जो कि मैंने आवाज़ की है वो लोगों की तरफ से है मैसेज। तो आर्टिस्ट से, जो भी हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं माने, लड़ते रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब। तो नाज़रीन, ये थी हमारी खास रिपोर्ट। दीजिए इजाज़त, देखते रहें दरियल कश्मीर न्यूज़।